क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के प्राइस के ट्रैप में फंस रहे हैं? आर यू बीइंग ट्रैप्ड बाय द कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग्स के बारे में कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन है? क्या आप श्योर नहीं है कि जो क्लिनिक आपको प्राइस बता रही है और जो हेयर फॉलिकल्स बता रही है उसमें मैचिंग नहीं हो रही है? अगर ऐसा कुछ है तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताऊंगा मैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके डिसीजन में रहेंगी। आप इंडिया में कहीं पे भी हैं, वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, इफ यू आर नॉट बीइंग गिवन द करेक्ट प्राइसिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। माय नेम इज डॉक्टर अमित, मैं प्लास्टिक सर्जन हूं। आवर सेंटर इज डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरीज, वी आर लोकेटेड इन दिल्ली एंड गुड़गांव। आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू विल गेट लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस ऑफ द फ्यूचर वीडियोस दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट। सो प्राइस ट्रैप, व्हाट इज प्राइस ट्रैप? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्ट्स एंड फॉलिकल्स? क्या आप समझते हैं कि ग्राफ्ट और फॉलिकल में फर्क क्या है? एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको बोला जा रहा है कि you are going to be charged 100 rupees per graft. Do you know that it means 40 to 45 rupees per follicle? Ek graft mein 2 se 5 baal hote hain and average agar hum calculate kar rahe hain, humne calculate kiya hua hai, 2.1 se 2.25 follicles to graft hote hain. Iska matlab agar if you are paying 100 rupees per graft, it means 45 rupees per follicle. So do not be trapped. Be very clear when you are being given a price. Are you being given the price of a graft or a follicle? आप ऐसे सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते जहां पैसे दे रहे हैं ग्राफ्ट के और आपको दिया जा रहा है follicle उस रेट में, या आपको पैसे अदर वे राउंड। सो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर। सेकेंडली, ये अनलिमिटेड हेयर स्कीम्स के चक्करों में मत फंसिए, बिकॉज आपको अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है। फिक्स नंबर होता है तो क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतने बाल आपको लगने ही लगने हैं। Now, unlimited में कम भी लग जाते हैं। नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है वो रहा है, पिछले 11 साल में 9 से 10,000 पेशेंट्स में देख चुका हूं, यही एक्सपीरियंस रहा है कि जो ये अनलिमिटेड स्कीम्स में जाते हैं उनका रिजल्ट कभी बैठता ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी कभी भी किसी क्लिनिक के लिए नहीं आती है इन अनलिमिटेड स्कीम्स में, और इवेंचुअली कम बाल लगते हैं पेशेंट को, नुकसान आपका। सो ये प्राइस ट्रैप है जो आपको समझाया नहीं जा रहा है। तीसरी चीज, आपको कंसल्टेशन के टाइम पे कोई प्राइस दी गई है और सडनली सर्जरी के टाइम वो बढ़ा दी गई, कैसे? आपकी बालों की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है, आपको बोला जाता है कि अच्छा आपके तो इतने ज्यादा बाल निकल सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है आपकी और ढक लो, आप तो प्राइस बढ़ा देते हैं। ये सब चीजें सर्जरी से पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ऑन द डे ऑफ द सर्जरी ये एक इमोशनल प्रेशर बढ़ाया जाता है आपके ऊपर, एंड इट इज अ प्लान्ड थिंग के पहले कम बोल दें और लास्ट मोमेंट पे पेशेंट को ट्रैप कर ले। सो इन ट्रैप से बच के रहिए। यू वांट टू गेट इन टच विद अस, 9811994417 पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा सेंटर साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में और गुड़गांव में सेक्टर 31 में है। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट में डाल दीजिए एंड मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब दूंगा।